Hey everyone, welcome to my channel Flaws. Today we'll be talking about the important sections of the Chhattisgarh Excise Act 1915. So first let us have the basic layout of the act. So the foremost thing that is important in the basic layout is the enforcement date. Ye act lagu kab kiya gaya? So this act was enforced on 1st November 2000. Total number of sections 69, total number of chapters 9 and total number of schedules are 2. Now let us start with the important sections. So the foremost section that is important is section 1, jo ki baat karta hai short title extent and commencement ke bare mein. So this particular act ka short title kya hai? Chhattisgarh Excise Act 1915. Extent ye kahan lagu hota hai? Ye whole of Chhattisgarh lagu hota hai and iski commencement date hai aapki November 1, 2000. Okay, is din ye Chhattisgarh pe lagu kiya gaya. Next. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशंस की बात करता है. ऑल्दो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी पर हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से डील करेंगे. सो द फोरमोस्ट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्साइजेबल आर्टिकल. सबसे पहले एक्साइजेबल आर्टिकल आपका सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है. अब एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब क्या होता है? तीन चीजें इंक्लूड करता है एक्साइजेबल आर्टिकल. कोई भी लिकर, एल्कोहलिक लिकर जो आपका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा हो, या फिर कोई आपकी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, या तीसरी चीज ओपियम या फिर पॉपी स्ट्रॉ. जैसा आपका डिफाइंड है कौन से एक्ट में? नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट में जैसा डिफाइंड है. तो ये तीन चीजें इंक्लूड करती हैं आपकी एक्साइजेबल आर्टिकल. नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी. सबसे पहले ये कहां पर डिफाइंड है? ये आपका सबसेक्शन 6A में डिफाइंड है. एक्साइज ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है, अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाएंगे तो जो 7th शेड्यूल दे रखा है उस 7th शेड्यूल की आपकी List 2 की जो Entry 5 है उसमें जो भी ड्यूटीज आपकी दे रखी है वो आपकी एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में इंक्लूड होती है. ओके, सो कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की List 2 में, की Entry 51 में. कौन सी एंट्री में? Entry 51 में. अब एक्साइज ऑफिसर कहां पर डिफाइंड है? सबसे पहले आपका सबसेक्शन 7 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है. अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 7, एक्साइज ऑफिसर का मतलब होता है कलेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया जाता है. कहां पर? सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट के अंदर. ओके, एक्साइज रेवेन्यू क्या होता है? सबसे पहले एक्साइज रेवेन्यू आपका डिफाइंड है सबसेक्शन 8 में. और एक्साइज रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी रेवेन्यू डिराइव किया जाता है या किया जा सकता है फ्रॉम ड्यूटी, फीस, टैक्स, पेनल्टी पेमेंट या कॉन्फिसिकेशन इस एक्ट के अंदर, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू लिकर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग. सो इन दोनों से रिलेटेड जो भी फीस, जो भी टैक्स, ड्यूटी, पेनल्टी पेमेंट और कॉन्फिसिकेशन डिराइव होता है उसे एक्साइज रेवेन्यू कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट, नेक्स्ट यू हैव एक्सपोर्ट की डेफिनेशन. ये कहां पर दे रखी है? ये आपकी सबसेक्शन 9 में दे रखी है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है स्टेट के बाहर कोई चीज जाना. कहां? स्टेट के बाहर कोई चीज जाना, बट वो कस्टम कस्टम फ्रंटियर नहीं होना चाहिए. ओके, स्टेट के बाहर जाना बट दैट शुड नॉट इंक्लूड कस्टम फ्रंटियर. नाउ इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट कहां पर डिफाइंड है? इंटॉक्सिकेंट आपका डिफाइंड है सबसेक्शन 11A में. अब इंटॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है? दो चीजें इंक्लूड करता है, लिकर या फिर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग. अब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग आपका सबसेक्शन 12 में डिफाइंड है. इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब क्या होता है? जो आपका इंडियन हेम्प प्लांट होता है इसकी जो भी लीव्स होती हैं, जो भी स्टॉक्स होती हैं, जो भी इसके फ्लावर्स होते हैं या जो भी इसके फ्रूट टॉप्स होते हैं, ठीक है, इनसे और इंडियन हेम्प प्लांट के अलावा और भी ये तीन चीजें इंक्लूड करता है जिसको भांग के नाम से जाना जाता है, सिंधी के नाम से जाना जाता है, गांजा के नाम से जाना जाता है. तो ये सारी चीजें इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में इंक्लूड होती हैं. इनसे जो भी मिक्सचर प्रिपेयर किया जाता है, जो भी ड्रिंक प्रिपेयर करी जाती है या फिर कोई और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग जिसको स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे और वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग आपका नहीं होना चाहिए डिफाइंड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, तो अगर वो ड्रग वहां डिफाइंड है तो वो यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर, तभी वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग माना जाएगा. अब आती है लिकर. लिकर क्या होता है? सबसे पहले तो ये आपका डिफाइंड है सबसेक्शन 13 में. लिकर का मतलब होता है कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर या कोई भी स्पिरिट्स ऑफ वाइन, स्पिरिट, तारी, बियर, जितने भी लिक्विड फॉर्म के होते हैं जिनमें अल्कोहल होता है या कोई भी सब्सटेंस जिसको स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा लिकर डिक्लेयर करे वो लिकर की डेफिनेशन में आता है. नेक्स्ट,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर की. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सबसेक्शन 14 में डिफाइंड है. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है हर एक प्रोसेस, चाहे वो प्रोसेस नेचुरल हो चाहे वो प्रोसेस आर्टिफिशियल हो, जिससे कोई भी इंटॉक्सिकेंट क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है या फिर रीडिस्टिलाइज किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, उसमें फ्लेवर डाले जाते हैं, ब्लेंडिंग होती है, कलरिंग होती है. तो इतनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर में इंक्लूडेड होती हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. प्रोड्यूस किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, रीडिस्टिलाइज किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, फ्लेवरिंग, ब्लेंडिंग एंड कलरिंग, ये सब आपका कहा जाता है कि लिकर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पिरिट की, जो कि आपका सबसेक्शन 17 में डिफाइंड है. स्पिरिट का मतलब होता है कोई भी लिकर जिसमें अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू, भले ही वो डीनेचर्ड हो या ना हो, जब अल्कोहल ऑब्टेन किया जाता है डिस्टिलेशन के थ्रू तो उसे बोला जाता है स्पिरिट. ओके, अब टारी, व्हाट इज टारी? ये आपका सबसेक्शन 18 में दे रखा है. कोई भी फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस किसी भी पाम ट्री से, कौन सी ट्री से निकाला जाता है, किसी भी पाम ट्री से कोई भी फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस जो निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टारी. ये आपका सबसेक्शन 18 में डिफाइंड है. अब डीनेचर्ड क्या होता है? डीनेचर्ड आपका डिफाइंड है सबसेक्शन 5 में. और डीनेचर्ड का मतलब होता है जो ऐसी कोई भी चीज जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो, as prescribed by the government, कोई भी चीज जो human consumption के लिए unfit है उसको कहा जाता है वो denatured है. okay, so these are the important definitions of section 2. next, next important section is section 4, power to declare what shall be deemed to be country liquor and foreign liquor. ये section बहुत important है और ये छत्तीसगढ़ में एक दो बार पूछा भी जा चुका है. किसके पास power है कोई भी liquor को country liquor या foreign liquor declare करने की? तो ये power है आपकी state government के पास. okay, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है और ये नोटिफिकेशन से डिक्लेयर करती है. नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेक्शन 6. अब सेक्शन 6 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? सेविंग क्लॉज है फिर भी इंपॉर्टेंट है. यस, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से सेविंग क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेविंग क्लॉज से भी क्वेश्चन आते हैं और आए हैं. सो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो आपका छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वो कौन से एक्ट के प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा? तो सबसे पहले वो आपके अफेक्ट नहीं करेगा सी कस्टम एक्ट के प्रोविजन को, दूसरा आपका इंडियन टैरिफ एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, बट इंडियन टैरिफ एक्ट के सेक्शन 6 पे एप्लीकेबल, एक्सेप्ट सेक्शन 6 बाकी पूरे एक्ट को अफेक्ट नहीं करता. और लास्ट आपका कैंटोनमेंट एक्ट. तो इन तीनों एक्ट को आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, बिकॉज दे आस्क यू एंड दे हैव आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स कि कौन से एक्ट पे एक्साइज एक्ट नहीं लागू होता. तो ये तीन एक्ट बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 7, जो कि बात करता है एस्टैब्लिशमेंट एंड पावर्स देयर ऑफ. यहाँ पर किसकी पावर्स की बात करी गई है? तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स की बात करी गई है. एंड क्योंकि मे यूज किया गया है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है यहाँ पे. अब कुछ अपॉइंटमेंट्स कर रही है स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 7 में. तो पहली अपॉइंटमेंट कर रही है एक्साइज कमिश्नर की, जिनका काम क्या होगा, जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको सुपरवाइज करेंगे ये, और जो भी एक्साइज रेवेन्यू आ रहा है उसको कलेक्ट करेंगे ये. दूसरी चीज, और ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और वो ऑफिसर्स होंगे अदर दैन कलेक्टर. ओके, अदर दैन कलेक्टर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा और उनको कलेक्टर को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो उन्हें दी जाएंगी. तीसरी अपॉइंटमेंट होगी अदर ऑफिसर्स ऑफ आपके एक्साइज डिपार्टमेंट के अदर ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट. उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करेगी पावर्स किसको किसको, दो लोगों को डेलीगेट करी जाएंगी, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को और एक्साइज कमिश्नर को कुछ पावर्स डेलीगेट करी जाएंगी. अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ अपॉइंट करती है वैसे स्टेट गवर्नमेंट पावर्स को विड्रॉ भी कर सकती है. एंड लास्ट चीज है, वो परमिट कर सकती है आपके चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को कि वो अपनी पावर्स को फर्दर ऑन डेलीगेट कर सकते हैं. तो ये सारा काम स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 7 में करती है. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7A, जो कि बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड्स के बारे में. अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट, अगेन ये काम कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है और पूरी स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसे करना ही करना है. डिस्क्रिशन है स्टेट गवर्नमेंट की, वो स्टैब्लिश कर सकती है फ्लाइंग स्क्वाड्स. अब ये फ्लाइंग स्क्वाड्स क्यों स्टैब्लिश किए जाते हैं? कोई भी अगर एक्साइज रेवेन्यू है, अगर एक्साइज रेवेन्यू का कोई भी इवेजन हुआ है, उससे रिलेटेड कोई भी बात है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है ये फ्लाइंग स्क्वाड. तो फॉर परफॉर्मिंग द इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द इवेजन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. और उसके बाद इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, कितने एरिया में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगेन ये स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है.
अब फ्लाइंग स्क्वाड्स में आपके ऑफिसर्स कौन होते हैं? इसमें आपके एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं और बाकी जो अदर पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट टाइम से टाइम अपॉइंट करे. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका फ्लाइंग स्क्वाड का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 8, जो कि बात करता है पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. अब अगेन यहां पर भी किसकी पावर है? स्टेट गवर्नमेंट की पावर है. और क्योंकि मे यूज किया गया है तो स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन है. ऐसा नहीं है कि मैंडेटरली स्टेट गवर्नमेंट को ये फॉलो करना है. अब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा क्या कर सकती है? वो पूरी स्टेट में प्रोहिबिट कर सकती है या किसी स्पेसिफाइड एरिया में प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या किसी इंटॉक्सिकेंट का ट्रांसपोर्ट या फिर एक आपका होता है जिसका नाम होता है महुआ. इसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजंस बना सकती है जो बेसिकली आपका लिकर के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है. सो ये तीन काम स्टेट गवर्नमेंट यहाँ करती है. सो प्रोहिबिशन कर सकती है और इससे रिलेटेड इफेक्टिव प्रोविजंस बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9, जो कि बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. यहाँ विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटॉक्सिकेंट ना ही इंपोर्ट किया जाएगा, ना ही एक्सपोर्ट किया जाएगा और ना ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. और स्टेट गवर्नमेंट की जो सैंक्शन है वो तभी ली जाएगी जब आप जो भी कोई ड्यूटी लगी है, जो भी आपको ड्यूटी पे करनी है इस एक्ट के अंदर, जब आप वो ड्यूटी पे कर दें, या अगर कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट होना है तो वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें. एंड बाकी जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने लगाई है, जो भी इम्पोज करी है, जब आप ये तीन चीज़ें फुलफिल कर देंगे उसी के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेंगे और जब स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन दे देगी उसी के बाद यू कैन इम्पोर्ट, यू कैन एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट एनी इंटॉक्सिकेंट. बिना उनके परमिशन के आप नहीं कर सकते. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 10, विच टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ पास फॉर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. तो इस पर्टिकुलर केस में बोला गया है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर रखी है और अगर उस लिमिट को एक्सीड कर रहा है कोई भी इंटॉक्सिकेंट, तो उस पर्टिकुलर केस में आप ऐसे इंटॉक्सिकेंट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रांसपोर्ट तभी कर सकते हैं जब उससे रिलेटेड आपके पास पास हो. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 11, पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट. तो इसमें बोला गया है अब पासेस ग्रांट कौन करेगा. तो दो लोगों को इसकी पावर दे रखी है, एक तो आपके कलेक्टर है और दूसरे है आपके एक्साइज कमिश्नर. ये दोनों पासेस ग्रांट कर सकते हैं. जनरली आपके कलेक्टर ग्रांट करते हैं पासेस और एक्साइज कमिश्नर कब ग्रांट करते हैं? कोई भी पास जिसको एक्साइज कलेक्टर डिटरमाइन करते हैं उन पासेस को ग्रांट करने की पावर भी एक्साइज कमिश्नर के पास ही है. अब पासेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है जनरल पास, एक होता है आपका स्पेशल पास. जब कोई पास किसी डेफिनेट काम के लिए होता है, डेफिनेट पर्पस के लिए होता है, तो वो होता है आपका जनरल पास. और जब कोई पास आपका स्पेसिफाइड ओकेजन के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है, तो वो होता है आपका स्पेशल पास. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन 13, जो कि बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स. तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा, कलेक्ट नहीं किया जाएगा, कोई भी हेम्प प्लांट को कल्टिवेट नहीं किया जाएगा, कोई भी टारिंग प्रोड्यूसिंग ट्रीज जो है, जो टारी प्रोड्यूस कर रही है, उन्हें टैप नहीं किया जाएगा, कोई भी टारी को विड्रॉ नहीं किया जाएगा किसी भी ट्री से, कोई भी लिकर को बॉटल्ड नहीं किया जाएगा सेल के लिए, कोई भी डिस्टिलर यूज कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, और कोई भी पर्सन किसी ऐसे मटेरियल को पजेस नहीं करेंगे जो इंटॉक्सिकेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है अदर देन टारी. टारी का एक्सेप्शन है, उसके लिए आप पजेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट पजेस. और ये सब काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास लाइसेंस हो. तो बिना लाइसेंस के ये जितने भी आपके एफ क्लॉजेस दे रखे हैं आप ये सारे काम नहीं कर सकते. स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो टारी का एक्सेप्शन लगा हुआ है उस एक्सेप्शन को पर्टिकुलर एरियाज के ऊपर से हटा भी सकती है. और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक पर्टिकुलर केस है जहां पर अगर लिकर मैन्युफैक्चर हो रही है होम कंजम्पशन के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहां पर से भी लाइसेंस का प्रोविजन हटा सकती है और बिना लाइसेंस के अलाउ कर सकती है मैन्युफैक्चर ऑफ सेल फॉर होम कंजम्पशन. सो दिस इज सेक्शन 13.
नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 16 जो कि बात करता है पजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स जनरली. यहां पर बोला गया है अगेन किसकी पावर है यहां पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर है एंड क्योंकि मे यूज किया गया है तो डिस्क्रिशनरी पावर है. यहां पर बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू क्वांटिटी की लिमिट प्रिस्क्राइब करती है कि कितना इंटॉक्सिकेंट कोई भी पजेस कर सकता है. स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ इंटॉक्सिकेंट के लिए डिफरेंट लिमिट सेटअप कर सकती है. कोई भी पर्सन उस लिमिट के एक्सेस में पजेस नहीं करेगा इंटॉक्सिकेंट जब तक कि उसके पास उससे रिलेटेड लाइसेंस परमिट या पास ना हो. तो अगर आप लिमिट से ज्यादा पजेस कर रहे हैं इंटॉक्सिकेंट तो आपके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए, या तो लाइसेंस होना चाहिए, या तो पास होना चाहिए, या तो परमिट होना चाहिए, तभी आप लिमिट से ज्यादा पजेस कर सकते हैं कोई भी इंटॉक्सिकेंट. फॉरेन लिकर पे ये प्रावधान अप्लाई नहीं होगा, ऐसा फॉरेन लिकर जो कि कॉमन कैरियर द्वारा पजेस किया जा रहा हो. और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर्टिकुलर पजेशन को प्रोहिबिट कर सकती है, रोक सकती है कि पर्टिकुलर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन इसको पजेस नहीं करेंगे. और स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोहिबिशन एब्सोल्युटली भी लगा सकती है और कंडीशनली भी लगा सकती है. सो दिस इज सेक्शन 16. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 17 जो कि बात करता है लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट. तो यहां पर बोला गया है कोई भी इंटॉक्सिकेंट बेचा नहीं जाएगा जब तक आपके पास उससे रिलेटेड लाइसेंस ना हो. प्रोवाइडेड दैट कोई भी पर्सन जिसके पास टारी विड्रॉ करने की राइट है किसी भी ट्री से, वो उस टारी को बिना लाइसेंस के सेल भी कर सकता है. एंड दूसरी चीज, कोई भी पर्सन सेक्शन 13 के अंदर अगर हेम्प प्लांट को कल्टिवेट कर रहा है तो वो उसे बिना लाइसेंस के सेल भी कर सकता है. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द सेल ऑफ एनी फॉरन लिकर जो कि लॉफुली किसी पर्सन द्वारा अपने प्राइवेट यूज के लिए प्रोक्योर किया जा रहा है और बेचा जा रहा है, तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा. ओके, अब सेक्शन 17 में आपका थर्ड क्लॉज 2017 की अमेंडमेंट से डाला गया है. अब वो थर्ड क्लॉज क्या है, तो वहां पर बात करी गई है सेल और सप्लाई ऑफ लिकर के बारे में. अब दो चीजों की बात करी गई है, सेल और सप्लाई. तो सबसे पहले यहां पर बोला गया है सेल ऑफ लिकर के केस में कि सेल ऑफ लिकर तभी परमिट किया जाएगा जब आपके पास लाइसेंस होगा. जो लिकर वेंड्स हैं जब उनके पास लाइसेंस होगा तभी वो उस लिकर को सेल कर सकते हैं. और जो भी आपका आपकी जो भी शॉप होगी, जो भी आपके ये लाइसेंस्ड लिकर वेंड्स हैं इनकी जो शॉप होगी, इसके बारे में प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली. ये जो भी शॉप्स होंगी ये आपकी 500 मीटर्स की रेंज के अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी नेशनल हाईवे या किसी भी सर्विस लेन के रिस्पेक्ट में, और ना ही वहां से दिखनी चाहिए और ना ही वहां से एक्सेसिबल होनी चाहिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सेल ऑफ लिकर. दूसरी चीज, नॉट विदस्टैंडिंग किसी भी जजमेंट, किसी भी डिग्री या किसी भी ट्रायल कोर्ट की या ट्रिब्यूनल की किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिखा हो, जो भी होटल्स हैं, जो भी होटल्स हैं, जो भी उनके पास लाइसेंस है अगर करने का, तो वो एंटाइटल्ड हैं लिकर को सप्लाई करने के लिए अपने होटल की प्रेमाइसिस के अंदर, इररिस्पेक्टिव वो होटल उनका हाईवे के पास हो, बिल्कुल ही पास हो या कुछ भी हो. अगर उनके पास ऐसे होटल्स के पास लाइसेंस है तो वो बिल्कुल वो काम कर सकते हैं, भले ही कोई भी किसी भी कोर्ट की जजमेंट में कुछ भी लिखा हो. तीसरी चीज, कोई भी लाइसेंस अगर इशू किया जाता है किसी भी होटल को या किसी भी कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को लिकर की सेल के लिए, तो माना जाएगा कि उन्हें सप्लाई ऑफ लिकर के लिए भी लाइसेंस इशू किया गया है. और इस एक्ट के अंदर जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो उन पर्पसेस के लिए भी उन्हें लाइसेंस इशू किया गया है. तो ये थर्ड क्लॉज आपका 2017 अमेंडमेंट से ऐड किया गया है. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड ऑफ वुमेन. दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है पुराने पेपर्स में. इसमें बोला गया है कोई भी पर्सन जिसके पास इंटॉक्सिकेंट सेल करने का लाइसेंस हो, वो अपनी प्रिमाइसिस में किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेगा विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन. कैसे पर्सन को? मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स या फिर कोई विमेन को. इन दोनों ये दोनों लोग प्रोहिबिटेड हैं फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड ऐसी जगह पे जहां पर इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन हो रहा हो, ऐसा इंटॉक्सिकेंट विच इज कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक. सो दिस इज सेक्शन 22. नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन 23 है जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ लिकर इंटॉक्सिकेंट ड्रग टू पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स.
तो यहां पर बोला गया है कोई भी पर्सन जिसके पास इंटॉक्सिकेंट को सेल करने का लाइसेंस हो वो उसको सेल कर सकता है, डिलीवर कर सकता है किसी भी पर्सन को. अपेरेंटली अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स वो ये काम नहीं करेगा. तो जनरली वो किसी भी पर्सन को सेल कर सकता है, बट अगर कोई 21 ईयर्स के नीचे है तो प्रोहिबिशन लगा है, ऐसे इंसान को ये सेल नहीं कर सकते. वेदर फॉर कंजम्पशन बाय सच पर्सन, भले ही वो इंसान खुद कंज्यूम करना चाहता हो या फिर वो इंसान किसी के बिहाफ पे ही क्यों ना लेने आया हो, अगर वो 21 ईयर्स के नीचे का इंसान है तो आप उसे नहीं देंगे, भले ही वो अपने लिए लेने आया हो या किसी और के लिए लेने आया हो. सो दिस इज सेक्शन 23. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 23A, जो कि आपकी बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू लिकर. अब एडवर्टाइजमेंट्स में क्या क्या आता है सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है. तो एडवर्टाइजमेंट आपके क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये नोटिस, कोई भी किसी प्रकार का नोटिस हो गया, कोई सर्क्यूलर हो गया, कोई लेबल हो गया, कोई रैपर हो गया या कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी अनाउंसमेंट जो कि ओरल हो सकती है या फिर वो ट्रांसमिट की जा सकती है थ्रू लाइट, आपकी स्मोक या फिर साउंड, या फिर कोई कोई सिनेमा है जिसको लाइसेंस मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और उसके अंदर अगर वो कोई प्रेजेंटेशन या स्लाइड के थ्रू कुछ दिखा रहे हैं या फिर कोई अदर प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट में कुछ दिखाया जा रहा है, तो ये सब कुछ कंसिडर किया जाएगा कि उस किसी पर्टिकुलर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है. अब जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है सेक्शन 23A का कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिकर से रिलेटेड प्रोहिबिटेड है, तो कौन से एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है, तो कोई भी अगर प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट, जो कि एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी में क्या क्या आता है वी हैव गॉन थ्रू, अगर ऐसा एडवर्टाइजमेंट कोई भी पब्लिश कर रहा है या कोशिश करवा रहा है जो कि आपके लिकर को प्रमोट कर रहा है, लिकर को कमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है. पहले तो उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट की सजा लगाई जा सकती है या फिर फाइन या फिर बोथ. अब कितना लगाया जा सकता है, तो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट लगाई जा सकती है 6 months की, मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है 2,000 rupees का. अब नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है कि ये जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया सबसेक्शन, ये कुछ सिचुएशंस पे लागू नहीं होगा. वो सिचुएशंस कौन सी हैं, अगर कोई भी कैटलॉग या प्राइस लिस्ट, कोई भी लिकर वेंड है मतलब कोई भी लिकर की शॉप है उसके बाहर अगर प्राइस लिस्ट लगी हुई है कि ये लिकर का प्राइस इतना है एंड ऑल, कैटलॉग अगर लगा हुआ है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट कंसिडर नहीं करा जाएगा और ये सेक्शन, ये सब सेक्शन 2 की जो पेनल्टी है वो उस पर लागू नहीं होगी. कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि लिकर को ऑल्दो प्रमोट कर रहा हो पर वो छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर प्रिंट हो रहा है अगर, तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा. कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि या कोई भी मैटर किसी भी न्यूज़पेपर में अगर प्रिंट किया जा रहा है, पब्लिश हो रहा है छत्तीसगढ़ में कोई पर्टिकुलर डेट के पहले, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर ये लागू नहीं कर सकती है. कोई और एडवर्टाइजमेंट जो किसी भी पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एक्ट के किसी भी सेक्शन के अंदर एग्जेम्प्टेड हो, तो उसके ऊपर ये सब सेक्शन 2 लागू नहीं होगा. नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू प्रोहिबिट कर सकती है विद इन द स्टेट ऐसे पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट की प्रिंटिंग और पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी पब्लिशिंग कहाँ हो रही है, छत्तीसगढ़ स्टेट के बाहर हो रही है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट ऐसा है जो कि स्टेट के अंदर प्रमोट कर रहा है लिकर को कमेंड कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसे पर्टिकुलर लिकर्स को जिनकी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश तो बाहर हो रही है पर उनका इफेक्ट स्टेट के अंदर हो रहा है, उसको प्रोहिबिट कर सकती हैं. और अगर उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया उसके बाद भी कोई कंटिन्यू कर रहा है तो कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, अगेन इंप्रिजनमेंट, फाइन और बोथ. अब इंप्रिजनमेंट कितना, अप टू 6 months मैक्सिमम, और फाइन कितना, अप टू 2,000 rupees. नेक्स्ट चीज बोली गई है कि जहां पर कोई न्यूज़पेपर, बुक या कुछ भी अदर पब्लिकेशन कहीं पर भी वो प्रिंट हो या पब्लिश हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि उसमें कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट है जो कि लिकर को ऑफर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की या उस बुक की कॉपी को फोरफीट करा लेगी. एंड देयर अपॉन कोई भी एक्साइज ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर या जिस भी ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे वो उसको सीज कर लेगा. और दूसरी तरफ आपके कलेक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकेंड क्लास या कोई भी ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे वो वारंट के थ्रू ऑथराइज करेंगे पुलिस ऑफिसर को, ऐसे पुलिस ऑफिसर को जो सब इंस्पेक्टर की रैंक के बिलो ना हो, उसके ऊपर हो, उनको बोला जाएगा कि वो ऐसी प्रमाइसिस को सर्च करें, एंटर करें जहां पर वो पर्टिकुलर कॉपीज को इशू किया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 23.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24, जो कि बात करता है क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द सेक ऑफ पब्लिक पीस. तो यहाँ पर सबसे पहले पावर आपके डीएम को दी गई है और बोला गया है कि डीएम नोटिस इन राइटिंग देके, किसको, शॉप के लाइसेंसी को नोटिस इन राइटिंग देके किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए शॉप बंद करवा सकते हैं. कैसी शॉप बंद करवा सकते हैं? ऐसी शॉप जहां पर इंटॉक्सिकेंट बेचा जा रहा हो, इंटॉक्सिकेंट की सेल हो रही हो, तो ऐसी शॉप्स को वो बंद करा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए. अब दूसरी चीज दे रखी है कि जहां पर कोई रायॉट है या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली है, उसका होने की आशंका है, एप्रिहेंशन है, अगर उसके होने का डर है, तो वहां पर कोई भी मैजिस्ट्रेट, फिर वहां केवल डीएम नहीं, कोई भी मैजिस्ट्रेट, जो भी नियर बाय मैजिस्ट्रेट हो, वो ऐसी परिस्थितियों में शॉप को क्लोज करवा सकते हैं. और वहां, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एप्रिहेंशन नहीं है लेकिन वो चीज अकर हो गई है, एप्रिहेंशन से आगे बढ़ के ऐसी रेयॉट या अनलॉफुल असेंबली अकर हो गई है, तो वहां पर जो लाइसेंसी है वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर का वेट नहीं करेगा, वो सीधे अपनी शॉप को बंद कर देगा ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. और जब भी मैजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे रेयॉट या अनलॉफुल असेंबली के केस में, कब, रेयॉट या अनलॉफुल असेंबली के केस में मैजिस्ट्रेट अगर कोई भी ऑर्डर इशू करेंगे शॉप को बंद करने का, तो उसकी इंटीमेशन किसको दी जाएगी? उसकी इंटीमेशन कलेक्टर को दी जाएगी, ताकि कलेक्टर कोई और एक्शन आगे ले सके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 25, जो कि बात करता है ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल. तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी एक्साइज ड्यूटी या फिर कोई भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी एज द केस मे बी शैल. तो सबसे पहले है शैल लगा है तो मैंडेटरी प्रोविजन है. अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करे तो वो लेवी करी जा सकती है कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर अदर देन. तो एग्जेम्पशन किसके ऊपर है? कोई भी अगर मेडिसिनल आर्टिकल है या कोई भी टॉयलेट प्रिपरेशन का कोई आर्टिकल है, तो ये दो चीजों को छोड़ के अगर कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है और स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करे, तो उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है. आप कब लगाई जा सकती है? अगर वो आर्टिकल इंपोर्ट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर कल्टीवेट कलेक्ट किया जा रहा है अंडर एनी लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 13, या फिर वो कोई डिस्टिलरी इस्टैब्लिश करी जा रही है, मैन्युफैक्चर करी जा रही है, तो वहां पर एक्साइज ड्यूटी या फिर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है. प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम एनी ड्यूटी, एंड वहां पर उस केस में आपको वो पे नहीं करनी होगी. ड्यूटी जो भी इम्पोज करी जा रही है वो डिफरेंट रेट्स पे इम्पोज करी जा सकती है, डिफरेंट आर्टिकल्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द प्लेस जहां पर वो आर्टिकल रिमूव किया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ दैट आर्टिकल. तो इन चार बेसिस के ऊपर हर एक्साइजेबल ड्यूटी का अलग अलग रेट हो सकता है. और जो एक और प्रोविजन आपका 2011 में ऐड हुआ है वो ये है 10% सरचार्ज भी लगाया जाएगा प्रिस्क्राइब ड्यूटी पे, और जो कि फिर जो भी 10% सरचार्ज पे किया जाएगा वो ट्रांसफर किया जाएगा रूरल और अर्बन बॉडीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. तो 10% ऑफ सरचार्ज. दूसरी चीज, नॉट विथस्टैंडिंग ऊपर कुछ भी लिखा हो, ड्यूटी इम्पोज नहीं करी जाएगी कोई भी ऐसे आर्टिकल पे जो कि इम्पोर्ट किया जा रहा है इंडिया में, एंड उस इम्पोर्टेशन पे उसके ऊपर लाइबिलिटी लग रही है सी कस्टम एक्ट के अंदर. तो अगर सी कस्टम एक्ट के अंदर उस पर्टिकुलर आर्टिकल के ऊपर लाइबिलिटी लग रही है, तो वहां पर आप कोई भी ड्यूटी नहीं लगाएंगे. लास्ट चीज, नथिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन, कुछ भी सेक्शन में लिखा हो वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रिक्लूड नहीं करेगा. स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे वो ड्यूटी को बढ़ा सकती है, जब चाहे वो ड्यूटी को रिड्यूस कर सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ड्यूटी जो भी इम्पोज करे उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इम्पोज कर सकती है. ओके, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है इररिस्पेक्टिव इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो. सो दिस इज सेक्शन 25. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 30, जो कि बात करता है टेक्निकल डिफेक्ट्स, इररेगुलरिटीज एंड ओमिशंस के बारे में. यहां पर बोला गया कि अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी लाइसेंस को ग्रांट किया गया है तो वो इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि उस लाइसेंस में कोई टेक्निकल डिफेक्ट, इररेगुलरिटी या ओमिशन है. अब क्या टेक्निकल डिफेक्ट होगा, क्या इररेगुलरिटी होगी, क्या ओमिशन होगा, कौन सी चीजें इन तीनों कैटेगरीज में आएंगी, इनमें किसका डिसीजन फाइनल होगा, तो इसमें आपका एक्साइज कमिश्नर का डिसीजन फाइनल होगा. ओके, सो दिस इज सेक्शन 30. नेक्स्ट सेक्शन 31. सेक्शन 31 बात करता है पावर टू कैंसिल और सस्पेंड लाइसेंस. अब ये पावर किसके पास है? ये पावर उस अथॉरिटी के पास है जो लाइसेंस को ग्रांट करती है.
तो यहाँ पर बोला गया स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं उस रेस्ट्रिक्शन में ध्यान रखते हुए वो अथॉरिटी कैंसिल या सस्पेंड कर सकती है लाइसेंस जिसने उसको ग्रांट किया हो। अब कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है? तो सबसे पहली सिचुएशन है कि जो भी ड्यूटी या फी पे करनी थी होल्डर ने उसको पे नहीं किया, वहां पर ऐसा हो सकता है। जहां पर होल्डर ने कोई ब्रीच किया कोई इवेंट का, या उसके सर्वेंट ने कोई कंडीशन को तोड़ा या ब्रीच किया, तो कोई भी कंडीशन अगर ब्रीच हुई। तीसरी चीज है कि अगर होल्डर किसी भी ऑफेंस के अंदर, इस एक्ट के अंदर किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है, या किसी भी अदर लॉ के अंदर रेवेन्यू से रिलेटेड किसी मैटर में वो कन्विक्ट हो जाता है, या फिर वो कोई डेंजरस ड्रग एक्ट के अंदर किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो जाता है, या मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, या आईपीसी के अंदर कन्विक्ट हो जाता है, तो वहां पर उसका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। अगर होल्डर कोई ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो जाता है जो कि आपका कॉग्निसेबल है और साथ साथ आपका नॉन बेलेबल है, ऐसे ऑफेंस के लिए अगर कन्विक्ट हो जाता है तो लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जा सकता है। दूसरी चीज, जहां पर होल्डर को आपका सी कस्टम एक्ट के अंदर सेक्शन 167 के सब सेक्शन 8 के अंदर अगर कन्विक्शन हो जाती है, अगर होल्डर पनिश हो जाता है कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि 167(8) के अंदर आता है। दूसरी चीज, जहां पर लाइसेंस परमिट या पास उसको ग्रांट किया गया था बिकॉज कोई लीज उसको मिली थी सेक्शन, इस एक्ट के सेक्शन 18 के अंदर एक लीज ग्रांट हुई थी और उसके तहत उसे वो कोई परमिट या वो मिला था, तो उस केस में लेसी की रिक्वेस्ट पे, लेसी की रिटन रिक्वेस्ट पे उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। या फिर लाइसेंस की कोई भी कंडीशंस अगर आपने वायलेट करी हैं, या फिर लाइसेंस की अगर कोई ऐसी कंडीशंस हैं जिसके तहत आपका ये कैंसिल हो जाना चाहिए, सस्पेंड होना हो जाना चाहिए, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जब भी ये लाइसेंस कैंसिल या सस्पेंड किया जाएगा, इस ऑर्डर को मेक करने के पहले जो अथॉरिटी है वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, होल्डर को ब्रीफ स्टेटमेंट दी जाएंगी और उसके बाद उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिया जाएगा। अगर कोई भी लाइसेंस परमिट या पास कोई पर्सन जो उसको होल्ड कर रहा था अगर कैंसिल किया जाता है आपका, तो उस पर्टिकुलर केस में अथॉरिटी अदर लाइसेंस और पासेस को भी कैंसिल कर देगी जो भी आपके पास आपको ग्रांट किए गए हैं एक्साइज रेवेन्यू या ओपीएम एक्ट के अंदर। तो दूसरे लाइसेंस पे अगर आपको ओपीएम या एक्साइज रेवेन्यू के अंदर ग्रांट किए गए तो वहां पर भी आपका वो लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। अब चार क्लॉजेज मेंशनड है, इन चार क्लॉजेज में अगर आप फॉल करते हैं ए बी सी और ई, तो उस केस में अदर लॉज के अंदर अगर आपको कोई भी लाइसेंस ग्रांट किया गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये चारों क्लॉजेस क्या हैं? तो सबसे पहला, आपने ड्यूटी पे नहीं करी है, दूसरा आपने कोई कंडीशन को ब्रीच किया है, सी बोलता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट दे रखी ऑफेंसेस के अंदर अगर कन्विक्ट कर दिए गए हैं, और बाकी सी कस्टम एक्ट के अंदर आप कन्विक्ट हैं। तो अगर ये चार सिचुएशंस हैं तो अदर लाइसेंसेस भी कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट, जो होल्डर होता है लाइसेंस का उसे कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी और ना ही कोई रिफंड मिलेगा जो भी उसने फीस या डिपॉजिट पे किया है। अगर लाइसेंस कैंसिल होता है या सस्पेंड होता है आपका, अगेन इन चारों क्लॉजेस के अंदर ए बी सी और ई, तो जो भी आपने जो भी बैलेंस बचा है पीरियड का, फी का जो भी बैलेंस बचा है वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा, बचे हुए टाइम का जो भी फी बची है। और उसके बाद कलेक्टर, अगर आप नहीं देते तो कलेक्टर रीसेल करके अमाउंट ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर ज्यादा अमाउंट आ जाएगा तो बचा हुआ अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन कर सकता है? कलेक्टर। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 32, जो कि बात करता है पावर टू विड्रॉ लाइसेंस। अब लाइसेंसेस को विड्रॉ करने की पावर अगेन उसी अथॉरिटी की है जिसने उसको ग्रांट किया है, वही अथॉरिटी उसको विड्रॉ कर सकती है। अब कब कर सकती है? तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई भी अथॉरिटी इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लाइसेंस ग्रांट कर रही है और उसे लगता है कि लाइसेंस को विड्रॉ करना चाहिए कुछ ऐसे कॉजेस के लिए जो कि सेक्शन 31 में लिस्टेड आउट नहीं है, सेक्शन 31 में फॉल आउट नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा अगर कोई कॉजेस हैं तो वहां पर वो अथॉरिटी रेमिट कर देगी अ सम इक्वल टू द अमाउंट, जो भी फीस 15 डेज के लिए पेबल है उस फीस के अमाउंट के इक्विवेलेंट सम को रेमिट कर देगी यहां पर, और उसके बाद लाइसेंस को विड्रॉ कर देगी।
अब वो दो टाइम पे विड्रॉ कर सकती है, एक तो जो ये 15 डेज का रिटर्न नोटिस दिया जा रहा है जब ये एक्सपायर हो रहा है तब कर सकती है, या फिर फोर्थ विदाउट नोटिस, बिना नोटिस दिए तुरंत विड्रॉ कर सकती है। अगर बिना नोटिस दिए तुरंत विड्रॉ कर रही है तो वहां पर लाइसेंसी को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, एडिशन ऑफ दी जो भी रेमिशन किया गया है वो तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा कॉम्पनसेशन भी दिया जाएगा। अब इस कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन कौन करेगा, कितना कॉम्पनसेशन है, एक्साइज कमिश्नर इस कॉम्पनसेशन को डिटरमाइन करेंगे। दूसरी चीज, जब कोई लाइसेंस विड्रॉ किया जा रहा है सब सेक्शन वन में, तो जो भी फी इन एडवांस पे करी गई है लाइसेंसी द्वारा, तो वो उसको रिफंड कर दी जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग जो भी अमाउंट ड्यू था गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज सेक्शन 32। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 33, जो कि सरेंडर ऑफ लाइसेंसेस की बात करता है। यहां पर अब सरेंडर कौन करेगा, जो लाइसेंस को होल्ड करा है वही उसको सरेंडर करेगा, तो होल्डर ऑफ द लाइसेंस उसको सरेंडर, अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकता है। अब कोई भी इस एक्ट के अंदर किसी को अगर लाइसेंस ग्रांट किया गया है, जो भी होल्डर है उसको लाइसेंस दिया गया है इंटॉक्सिकेंट सेल करने का, तो वो अपने लाइसेंस को सरेंडर कर सकता है, और उसके लिए उसे एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। वो प्रोसीजर है कि उसे एक महीने का रिटर्न नोटिस देना होगा, किसको देना होगा, कलेक्टर को देना होगा, अपनी इंटेंशन बताते हुए कि वो अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है, और इसके साथ साथ उसे कुछ अमाउंट ऑफ फीस पे करनी होगी, जो भी उस लाइसेंस के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर जो टाइम बचा है उसके रिस्पेक्ट में जो भी फीस बनती है। एक्साइज कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड है कि हाँ सफिशिएंट रीजन है उसका लाइसेंस सरेंडर करने का, तो वो रेमिट कर सकते हैं उस फीस को जो होल्डर को पे करना है बचे हुए टाइम के लिए, एक्साइज कमिश्नर उसको रेमिट करवा सकते हैं। दूसरा, सबसेक्शन वन जो है वो आपका उन केसेस में अप्लाई नहीं होता है जहां पर लाइसेंस कहां ग्रांट किया जा रहा है, सेक्शन 18 के अंदर अगर लाइसेंस ग्रांट किया जा रहा है तो वहां पर आपका ये अलाउ नहीं होगा सरेंडर, ओके। अब होल्डर ऑफ लाइसेंस, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है वो कुछ और लोगों को भी इंक्लूड करता है, ऐसे लोग जिन्होंने कोई टेंडर दिया हो या कोई बिड दी हो लाइसेंस के लिए और वो एक्सेप्ट हो गई हो, भले ही एक्चुअली उन्हें लाइसेंस रिसीव ना हुआ हो, तो वो भी होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 34, जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट पोजेशन सेल एक्सेट्रा। तो यहां पर बोला गया है कि कोई भी अगर इस एक्ट के प्रोविजन के कॉन्ट्रवेंशन में, रूल या नोटिफिकेशन या ऑर्डर के कॉन्ट्रवेंशन में, या फिर लाइसेंस के साथ जो भी कंडीशंस लगी हैं उनको कॉन्ट्रवीन करता है, और उनको कॉन्ट्रवीन करते हुए वो कुछ मैन्युफैक्चर करता है, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करता है, कलेक्ट करता है, या किसी इंटॉक्सिकेंट को पजेस करता है, सेक्शन 38 को छोड़ के किसी भी इंटॉक्सिकेंट को बेचता है, भांग कल्टिवेट करता है, टॉडी को टैप करता है और ड्रॉ करता है टॉडी पेड़ों से, और कंस्ट्रक्ट करता है, कोई डिस्टिलरी को कंस्ट्रक्ट करता है, कोई भी ऐसे मटेरियल को पजेस करता है जिसके थ्रू कोई भी इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है एक्सेप्ट टॉडी, और कोई भी इंटॉक्सिकेंट को रिमूव करता है किसी भी डिस्टिलरी से, या फिर किसी भी लिकर को बॉटल करता है, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। अब यहां पर पेनल्टी को डिवाइड कर रखा है उन्होंने दो कन्विक्शन के फॉर्म में, कि पहली बार अगर आप ये ऑफेंस कर रहे हैं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आप नहीं रुकते हैं दोबारा वो ऑफेंस करते हैं तो आपको और सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। तो पहली बार में जो पनिशमेंट है उसकी बात करी गई है, मिनिमम और मैक्सिमम, पहली तो आपको इंप्रिजनमेंट भी मिलेगी और फाइन भी मिलेगा, एंड यूज किया गया तो दोनों पनिशमेंट आपको मिलेंगी। मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितनी है, 6 months की मिनिमम है, और जो मैक्सिमम 2 years की हो सकती है। फाइन कितना है, मिनिमम आपका 10,000 है, जो आपका एक्सटेंड हो सकता है 50,000 तक। ये हो गया पहला कन्विक्शन, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं माने तो दूसरा कन्विक्शन लगेगा। दूसरे कन्विक्शन में आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, अगेन इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों की आपको यहां पर पनिशमेंट मिलेगी, और कितनी मिलेगी, मिनिमम 1 year, जो एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम कितना, 5 years के लिए। और अगर आप फाइन की बात करें तो आपको मिनिमम फाइन यहां पर कितना मिलेगा, 20,000, जो कि एक्सटेंड कितना हो सकता है, 2 lakhs के लिए। तो इतनी सीरियस पनिशमेंट हो जाती है सेकंड कन्विक्शन के ऊपर। दूसरी चीज यहां पर बोली गई कि सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा हो, अगर किसी भी पर्सन को एक ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है जो क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 के अंदर आता है। अब क्लॉज ए और बी सबसेक्शन 1 का क्या है, कि जहां पर वो कोई इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्ट या पजेस करता है या फिर सेल करता है, अगर ऐसे क्लॉज में कोई इंसान आ रहा है और उसकी क्वांटिटी की, जो इंटॉक्सिकेंट की क्वांटिटी की लिमिट है, वो अगर 5 bulk liter से ज्यादा है, कितने बल्क लीटर से ज्यादा है, 5 bulk liter से अगर ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में उसके ऊपर डिफरेंट पेनल्टी लगती है। और वो क्या पेनल्टी है, कि उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट की सजा लगेगी, और इंप्रिजनमेंट में कितनी उसे लगेगी,
मिनिमम लगेगी 1 ईयर और मैक्सिमम लगेगी 3 ईयर्स. तो 1 से लेके 3 ईयर्स एंड उसके साथ साथ एंड लगा है तो फाइन भी लगेगा. तो इम्प्रिजनमेंट फाइन दोनों, ये मिनिमम मैक्सिमम. फाइन कितना? फाइन मिनिमम आपका 25,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपीज. और अगर कोई पर्सन नहीं मानता है इस 5 बल्क लीटर वाली सिचुएशन में, दोबारा फिर से सेम ऑफेंस करता है, तो अगेन आपके ऊपर फिर से पेनल्टी लगेगी मिनिमम 2 साल की और मैक्सिमम 5 ईयर्स की, और फाइन मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम 2 लाख का. ये सेकेंड कन्विक्शन पे आपको पनिशमेंट मिलेगी. अब बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस जो क्लॉज ए और बी ऑफ सबसेक्शन 1 में अगर उसे कमिट किया जा रहा है और क्वांटिटी एट द टाइम, जब एट द टाइम और इन द कोर्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ सच ऑफेंस अगर 5 बल्क लीटर से एक्सीड कर जाती है तो पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी. साथ में जो भी अमाउंट, जो भी चीजें हैं, जो भी लिकर एंड ऑल है, ये सब कॉन्फिसिकेट भी कर लिया जाएगा. ओके और जो भी लाइसेंस उसको दिया गया है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा. तो 3 चीजें आपके साथ 5 बल्क लीटर में होंगी. 5 बल्क लीटर में एक तो आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी, फाइन की सजा मिलेगी, कॉन्फिसिकेशन भी हो जाएगा, लाइसेंस भी आपका रद्द हो जाएगा. सो इतनी पेनल्टीज लगेंगी आपके ऊपर. नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सेक्शन 35. अब पेनल्टी फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर एनी डी नेचर्ड स्पिरिट और डी नेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. अब कोई भी अगर ऑल्टर करता है या कोशिश भी करता है ऑल्टर करने की कोई भी डी नेचर्ड स्पिरिट या कोई भी डी नेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को, इस इंटेंशन के साथ कि उस स्पिरिट को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज किया जाए, चाहे बेवरेज की तरह या फिर चाहे मेडिसिन की तरह, कैसे भी अगर आपकी ऐसी इंटेंशन है या फिर आपके पास कोई ऐसा स्पिरिट है, ऐसे स्पिरिट की पजेशन है और आपको पता है कि इसमें ऐसा कुछ ऑल्टरेशन या अटेम्प्ट किया गया है विद द इंटेंट, जो भी इंटेंशन आपकी सबसेक्शन 1 में है, तो वहां पर सजा आपको कितनी दी जाएगी? अगेन यहां पर आपको इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाएगी एंड लगा हुआ है तो फाइन. तो इम्प्रिजनमेंट फाइन दोनों लगे हुए हैं. अगेन मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम आपकी 1 मंथ की है और मैक्सिमम 2 ईयर्स की है. और फाइन कितना मिनिमम है? 1,000 रुपीज का आपका फाइन है, 1,000 रुपीज का आपका फाइन है और मैक्सिमम 4,000 तक वो एक्सटेंड होगा. ठीक है, तो ये है आपकी पनिशमेंट यहाँ पर. दूसरी चीज बोली गई है, अगर कोई ऐसे डी नेचर्ड स्पिरिट को या फिर सच ऑल्टर्ड डी नेचर्ड स्पिरिट को मिक्स करता है तो उस पर्टिकुलर केस में कितनी पनिशमेंट होगी? तो उस पर्टिकुलर केस में अगेन आपकी इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है. तो मिनिमम मैक्सिमम अगेन 2 मंथ्स से 2 ईयर्स मैक्सिमम, और फाइन के केस में 5,000 से कितना? 5,000 से 25,000 मैक्सिमम, इतनी पनिशमेंट आपको मिलेगी. दूसरी चीज, कोई भी पर्सन अगर कन्विक्ट हो गया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, उसके बाद वो सेकंड कन्विक्शन करता है, दोबारा वो ऑफेंस करता है, तो कितनी पनिशमेंट हो जाएगी? अगेन इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है. मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम बोला है 1 ईयर मिनिमम है, मैक्सिमम 6 ईयर्स, और फाइन के केस में 5,000 मिनिमम है और मैक्सिमम है आपका 50,000. सो इतनी पेनल्टी यहां पर आपको लगेगी. ओके, डी नेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का मतलब होता है कोई ऐसी प्रिपरेशन जो कि आपकी डी नेचर्ड स्पिरिट से के थ्रू हो रही हो, जो कि आपका इंक्लूड करता है लिकर या फ्रेंच पॉलिश या वार्निश या थिनर्स, इन सब के थ्रू जो भी करी जा रही है प्रिपरेशन, उसको बोला जाता है डी नेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 36 की, अगर कोई इलीगली पजेस कर रहा है तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? तो अगर बिना कोई लॉफुल अथॉरिटी के कोई पजेस कर रहा है कोई भी इंटॉक्सिकेंट, उसे पता है कि अनलॉफुली अनलॉफुली इंपोर्ट हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, कल्टिवेट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, तो वहां पर उसके ऊपर कितनी सजा होगी? तो यहां पर और है, तो या तो इम्प्रिजनमेंट की सजा मिलेगी या तो फाइन की सजा मिलेगी या दोनों भी मिल सकती है. तो 3 सिचुएशंस है. इम्प्रिजनमेंट में अगेन मिनिमम 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर्स तक. फाइन आपका मिनिमम 1 लाख जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक. ठीक है, तो ये पेनल्टी है आपकी. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 36D जो कि बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड के बारे में. तो यहां पर बोला गया है कि जब कोई पर्सन कन्विक्ट किया जा रहा है किसी भी ऑफेंस के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए? सेक्शन 34 या 36 के अंदर कोई भी अगर ऑफेंस है और तो मैजिस्ट्रेट उसे कन्विक्ट करते टाइम अगर उनका ये ओपिनियन है कि जरूरी है कि इस पर्सन से बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया जाए ताकि ये दोबारा ये ऑफेंस कमिट ना करे, तो उस केस में बॉन्ड उससे एग्जीक्यूट किया करवाया जाएगा. वो बॉन्ड विथ सिक्योरिटीज हो सकता है या विदाउट श्योरिटीज भी हो सकता है.
ठीक है, तो दोनों ही हो सकते हैं, मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होगी। और वो बॉन्ड का टाइम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम वो बॉन्ड होगा आपका 3 साल का, कितना मैक्सिमम 3 साल का, इससे ज्यादा का बॉन्ड नहीं होगा। और बॉन्ड का फॉर्म क्या होगा, सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में जो भी फॉर्म है, कहाँ पर है आपके सीआरपीसी के शेड्यूल 2 में जो भी फॉर्म है उसी के हिसाब का आपका बॉन्ड होगा। दूसरी चीज, सीआरपीसी का सेक्शन 106 है, उसमें जो भी चीजें हैं वही फॉलो होंगी यहाँ पर बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, तो रिमेंबर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर बॉन्ड वॉइड होगा, और वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो दो सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर कन्विक्शन आपकी, आप जो कन्विक्ट करे गए हैं, अगर उसकी अपील होती है और कन्विक्शन सेट असाइड हो जाती है, तो वहां पर आपका ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ओके, सो एक सिचुएशन दे रखी है यहाँ पे। दूसरी चीज, ये बॉन्ड लेने की पावर किसके पास है, अपेलेट कोर्ट भी ले सकता है, और हाई कोर्ट भी जब रिविजन की पावर एक्सरसाइज करा तो वो भी बॉन्ड भरवा सकता है, और मजिस्ट्रेट तो करवा ही सकते हैं। सो दिस इज सेक्शन 36B। नेक्स्ट 36F, पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एट पब्लिक प्लेस। तो यहाँ पर बोला गया है एक्सेप्ट एट द प्रिमाइसिस लाइसेंस्ड फॉर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, ऐसी प्रिमाइसिस जहाँ जिनके पास लाइसेंस है कि हाँ यहाँ पर एल्कोहल कंज्यूम किया जा सकता है, उसके अलावा अगर कोई भी पर्सन फाउंड हुआ एल्कोहल कंज्यूम करते हुए या फिर इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में किसी भी पब्लिक प्लेस पे, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए, हॉस्पिटल हो गए, टेम्पल ऑफ वर्शिप हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, पब्लिक रोड हो गया, एक्सेट्रा, तो पहली बार तो उनके ऊपर मिनिमम कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी, 1000 रुपीज़ की, कितनी 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लगाई जाएगी मिनिमम, जो एक्सटेंड कर सकती है मैक्सिमम कितना, 5000 तक एक्सटेंड कर सकती है। और अगर आप रिपीटेड ऑफेंसेस कर रहे हैं तो मिनिमम आपके ऊपर कितनी लगेगी, 5000, जो कि एक्सटेंड कर सकती है कितना आपका, 10000 एक्सटेंड कर सकती है, और उसके साथ साथ 3 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सो रिमेंबर दिस। और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो आपको आपकी पनिशमेंट क्या होगी, न्यूसेंस के केस में आपकी पनिशमेंट होगी मिनिमम 10000 का फाइन, विच में एक्सटेंड टू 25000, और उसके साथ साथ 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सो दिस इज 36F। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 38। सेक्शन 38 बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर्स। अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी लाइसेंस वेंडर या कोई भी पर्सन जो कि इंप्लॉय किया गया है उसके द्वारा, उस लाइसेंस वेंडर द्वारा, और कोई भी इंटॉक्सिकेंट को वो बेच रहा है एक ऐसे पर्सन को जो कि ड्रंक है, इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर वो सेल कर रहा है या इंटॉक्सिकेंट ऐसे पर्सन को दे रहा है इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 23, या फिर वो सेक्शन 22 को कॉन्ट्रवीन कर रहा है और इंप्लॉय कर रहा है या परमिट कर रहा है ऐसे पर्सन को इंप्लॉय कर रहा है जो कि 21 ईयर्स के नीचे है, अगर वो मेल है, या फिर वो वुमेन है उनको इंप्लॉय कर रहा है, या फिर वो ड्रंकनेस परमिट कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन परमिट कर रहा है, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग ऑफ म्यूजिक और गेमिंग अपने लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस के अंदर, या फिर वो पर्संस को परमिट कर रहा है, उसको ये पता होते हुए, उसके पास रीजन है, ये विश्वास रखते हुए कि वो पर्सन जिसको वो अलाउ कर रहा है उस पर्सन को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, कौन से ऑफेंस के लिए, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, या फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं या फिर जो कि असेंबल हुए हैं उसकी लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस के अंदर, वेदर फॉर द पर्पज ऑफ क्राइम या प्रोस्टिट्यूशन या किसी भी पर्पज के लिए, तो पनिशमेंट कितनी है, मिनिमम 1000, मिनिमम सॉरी नॉट 1000, मिनिमम 100 रुपीज, विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज, तो उस बंदे के ऊपर इतनी पेनल्टी लगेगी। जब कोई लाइसेंस्ड वेंडर या कोई भी पर्सन जो भी जिसको उसने एम्प्लॉय कर रखा है, उसके बिहाफ पे जो भी एक्ट कर रहा है, अगर वो चार्ज होता है कि वो किसी ड्रंक इंसान को अपनी प्रमाइसिस के अंदर परमिट कर रहा है, अगर प्रूव हो जाता है कि एनी पर्सन जो कि ड्रंक था, तो वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर लाया करेगा, लाइसेंस्ड वेंडर के ऊपर लाया करेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 40, पेनल्टी फॉर अलाउिंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। तो यहां पर कितनी पेनल्टी है, कोई भी अगर अलाउ कर रहा है कोई भी इंटॉक्सिकेंट को जो कि बोनाफाइडली मेडिसिन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और वो अलाउ कर रहा है उसको कंज्यूम करना अपनी बिजनेस प्रिमाइसिस पे बाय एनी पर्सन जो उसके द्वारा एम्प्लॉयड नहीं है, तो वहां पर मिनिमम फाइन लगेगा 500 रुपीज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 4000 रुपीज तक के लिए। कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड नहीं है और वो कंज्यूम करता है अगर केमिस्ट की शॉप के अंदर आके, तो वहां पर फाइन कितना एक्सटेंड हो सकता है, मैक्सिमम 500 रुपीज,
ठीक है. तो दो सिचुएशंस हैं, एक आपके यहाँ कोई एम्प्लॉयड है और एक यहाँ आपके अंदर कोई अनएम्प्लॉयड है. तो एम्प्लॉयड है तो ये सिचुएशन, नॉन एम्प्लॉयड है तो ये सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 40A, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट ऑन ऑफिसर एक्सेट्रा. तो कोई भी अगर असॉल्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी भी एक्साइज ऑफिसर को या किसी भी पर्सन को जो भी इस एक्ट के अंदर पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेंट या अदर पर्सन जो किसी ऑफिसर को हेल्प कर रहा है या पर्सन को हेल्प कर या फिर कोई पर्सन जो पावर्स एक्सरसाइज कर रहा है इस एक्ट के अंदर, तो वहां पर अगर आप ऐसे लोगों को असॉल्ट या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? तो आपके ऊपर इंप्रिजनमेंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है या फाइन या बोथ. ठीक है, अब इंप्रिजनमेंट लगेगी तो कितनी लगाई जा सकती है? अगेन अप टू 2 years लगाई जा सकती है. और अगर फाइन लगेगा तो कितना लगाया जा सकता है? सो ये लगाया जा सकता है अप टू 2,000 rupees. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 42, अटेम्प्ट टू कमिट एन अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस. कोई भी अटेम्प्ट कर रहा है या अबेट कर रहा है वो ऐसे लायबल होगा कि जैसे उसने वही ऑफेंस किया और जो भी उस ऑफेंस की पनिशमेंट होगी वही उसको मिलेगी. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 43, प्रिजम्पशन एज टू कमिशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टन केसेस. तो यहां पर कैसा प्रिजम्पशन है? तो यहां पर शैल यूज किया गया है, तो रिबटेबल प्रिजम्पशन है. ठीक है, रिबट किया जा सकता है. रिमेंबर दिस, सेक्शन 43 में रिबटेबल प्रिजम्पशन है. नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर प्रिज्यूम किया क्या जाएगा कि अक्यूज्ड पर्सन जिसने ऑफेंस किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट या इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी यूटेंसिल्स जो कि किसी इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किए जाते हैं, एक्सेप्ट टारी. टारी नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी मटीरियल्स यूज किए जाते हैं इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या कोई भी मटीरियल जो कि किसी प्रोसेस के अंडरगॉन मतलब प्रोसेस के थ्रू गया है टुवर्ड्स ही मैन्युफैक्चर ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट. तो इन तीन चीजों की बारे में प्रिजम्पशन है. तो कैसी प्रिजम्पशन है? रिबटेबल है. और इन तीन चीजों, इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड जो भी मटीरियल है उसके मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, या और कोई मटीरियल जिसका प्रोसेस किया जाता है मैन्युफैक्चर के दौरान इंटॉक्सिकेंट का, तो ये तीन प्रिजम्पशन है. नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 44, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ लाइसेंसी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट्स. तो यहां पर बोला गया अगर कोई भी ऑफेंस होता है सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 38, 38A और 39 में, कोई भी पर्सन अगर इंप्लॉयड है किसी के यहाँ और वो इंप्लॉयड पर्सन अगर कोई एक्ट करता है लाइसेंस होल्डर के बिहाफ पे, तो वहां पर माना जाएगा उस होल्डर ने वो किया है और उस होल्डर को पनिशमेंट मिलेगी अपने सर्वेंट्स के काम के लिए. ओके, सो नो पर्सन अदर दैन द एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी पनिशेबल. तो कौन कौन से सेक्शन में ऑफेंस होना चाहिए? 34, 35, 36, 36A, 38, 38A और 39. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 45, जो कि बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन. अगर कोई भी पर्सन जिसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया जा चुका है किसी ऑफेंस के लिए, ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 40 इन सेक्शंस के अंदर, और सब्सिक्वेंटली वो फिर से कोई ऑफेंस कर देता है, तो उसे कितनी पनिशमेंट मिलेगी? जो पहली कन्विक्शन पे उसे पनिशमेंट मिली है इसकी 2 times मिलेगी. कितनी मिलेगी? 2 times मिलेगी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 46, लाइबिलिटी ऑफ सर्टन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन. जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल होता है, जो भी इंटॉक्सिकेंट मटीरियल, स्टिल, यूटेंसिल या अपैरेटस या जो भी इंप्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं उसमें जिससे वो ऑफेंस कमिट किया गया था, तो उनको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है. सो दिस इज 46. नेक्स्ट 47, ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन. जब कोई केस ट्राई होता है तो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं कि एनीथिंग इज लाइबल टू बी कॉन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 46. अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज यहां पर कॉन्फिस्केट होनी चाहिए तो वो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पारित करते हैं मैजिस्ट्रेट. प्रोवाइडेड जहां पर कोई इंटीमेशन क्लॉज ए सबसेक्शन 47A के सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए में रिसीव होती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वो ऑर्डर तब तक पारित नहीं करेंगे जब तक कलेक्टर के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है वो डिसाइड नहीं हो जाती. ओके, उसके बाद कोई भी ऑफेंस अगर इस एक्ट के अंदर कमिट हुआ है एंड ऑफेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो केस कौन इंक्वायर और डिटरमाइन करेगा? कलेक्टर करेंगे और वही ऑर्डर करेंगे कॉन्फिस्केशन. ओके, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरेशन. तो कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर है वो तभी दिया जाएगा जब 1 महीने का पीरियड हो. 1 महीने का पीरियड कब से? जिस दिन आपने उस पर्टिकुलर थिंग को सीज किया है.
ठीक है, और आप उस थिंग को आप कॉन्फिसिकेट करना चाहते हैं तो उसके बीच में एक महीने का टाइम होना चाहिए, और उस इंसान को, कोई इंसान अगर कुछ क्लेम कर रहा है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है 47A, जो कि बात करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल्स, इंप्लीमेंट्स, यूटेंसिल्स एंड मटेरियल्स. तो यहां पर बोला गया अगर कोई भी ऑफेंस है आपका सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बी में अगर कमिट हुआ है और क्वांटिटी ऑफ लिकर जो मिली है वो 5 बल्क लीटर से ज्यादा मिली है, तो हर एक ऑफिस जहां पर वो पर्टिकुलर इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड कोई भी मटेरियल कुछ भी प्रेजेंट है, तो वहां पर एक सीज्ड मार्क लगा दिया जाएगा ये इंडिकेट करते हुए कि ये सीज हो गया है. एंड बिना किसी डिले के उस सीज प्रॉपर्टी को किसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, कोई भी ऑफिसर जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की रैंक के ऊपर का होना चाहिए एज ऑथराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट. किसकी रैंक के ऊपर? डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर की रैंक के ऊपर का होना चाहिए, उनके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा वो सीज्ड प्रॉपर्टी. जब कोई कलेक्टर अपॉन प्रोडक्शन बिफोर हिम, जब किसी कलेक्टर के सामने कोई इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल ये प्रोड्यूस किया जाता है, जब उन्हें कोई रिसीट मिलती है उसके बारे में, तो और वहां पर अगर ऑफेंस जो भी कमिट हुआ है वहां पर अगर क्वांटिटी 5 बल्क लीटर से ज्यादा है, तो वो एक ऑर्डर कर देते हैं उस इंटॉक्सिकेंट के कॉन्फिस्केशन के बारे में. अगर वो चाहे तो इंटेरिम ऑर्डर भी पारित कर सकते हैं. तो क्या कलेक्टर इंटेरिम ऑर्डर पारित कर सकते हैं 47A के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, कोई भी ऑर्डर जो भी यहाँ सबसेक्शन 2 में कलेक्टर पारित करेंगे, कोई भी नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड अनलेस द कलेक्टर, कोई भी ऑर्डर सबसेक्शन 2 में नहीं किया जाएगा कलेक्टर द्वारा जब तक कलेक्टर ने एक इंटीमेशन ना भेज दिया हो इन अ फॉर्म. एक फॉर्म जो है वो एक्साइज कमिश्नर प्रिस्क्राइब करते हैं, उस फॉर्म के अंदर इंटीमेशन भेजा जाएगा कि सीज्ड इंटॉक्सिकेंट की कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स को शुरू करना जरूरी है, और उसके बाद वो नोटिस इन राइटिंग इशू करेंगे उस पर्सन को जिससे वो सब सीज किया गया है, और कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है तो उसको भी नोटिस जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जाएगी, और उसके बाद जो भी ऑफिसर ने सीज किया है उनको भी नोटिस जाएगा. ठीक है, इसके उनकी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिलेगी, उसी के बाद ऑर्डर पारित करेंगे कलेक्टर 47A में. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 47B, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन. तो यहाँ पर कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर से, तो 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर की अपील प्रेफर कर सकता है कलेक्टर को, और बाकी और टू एनी अदर ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करे, और जो भी मेमोरेंडम होगा, जो भी अपील होगी वो मेमोरेंडम के फॉर्म में फाइल करी जाएगी, जिसके साथ आपके जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी होगी. अगर कलेक्टर चाहे तो यहाँ इंटरिम नेचर का ऑर्डर भी पारित कर सकता है, पर यहाँ पर 47B में कलेक्टर के पास एक पावर नहीं है. अपील तो कलेक्टर के पास लाए कर रही है, वेल एंड गुड, इंटरिम नेचर का ऑर्डर भी पारित कर सकता है कलेक्टर, लेकिन स्टे नहीं कर सकता कलेक्टर. क्या नहीं कर सकता? स्टे नहीं कर सकता. प्लीज रिमेंबर दिस. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 47C, जो कि बात करता है रिविजन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी. तो अगर अपीलेट अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया है, कोई भी पार्टी अगर उससे अग्रीव्ड है, तो विद इन कितना टाइम? विद इन 30 डेज वो रिविजन दायर कर सकते हैं. कहाँ पर? कोर्ट ऑफ सेशन में. अगेन कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी स्टे करने की स्टे पास करने की पावर नहीं होगी जो अपीलेट अथॉरिटी के पास सेक्शन 47B में नहीं थी. सेम पावर सेशन के पास भी नहीं अवेलेबल है. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका सेक्शन 48, पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी. तो ये पावर सबसे पहले आपके एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर को दी गई है. ये एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन से जिसका लाइसेंस कैंसिल या सरेंडर कर दिया गया है. कहाँ पर? अंडर सेक्शन 31 के क्लॉज ए और बी में. ओके, या फिर कोई भी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है कौन से सेक्शन में? सेक्शन 37 में, 38 में, या फिर 38A में, या फिर 39 में. 38A में बोला गया है कि अगर कोई मिक्सचर का ऑफेंस है तो उस पर ये लागू नहीं होगा. रिमेंबर दिस. उसके बाद यहाँ पर अगर इन सब केसेस में अगर लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, तो वहां पर उस लाइसेंसी से कितना अमाउंट? मैक्सिमम 10,000 का अमाउंट ऑब्टेन किया जा सकता है इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन. या फिर पेनल्टी लगाई जा सकती है कितने अमाउंट की? मैक्सिमम 10,000 के अमाउंट की. दूसरी चीज, दोनों ही केसेस में ये लोग कॉन्फिसकेशन के ऑर्डर भी पारित कर सकते हैं. किसके ऑर्डर? कॉन्फिसकेशन के ऑर्डर भी पारित किए जा सकते हैं जो भी आर्टिकल को सीज किया गया है.
और यहाँ पर बोला गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी को सीज किया गया और उसकी कॉन्फिस्केशन होनी है तो उस पर्टिकुलर केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के और कॉन्फिस्केशन के ऑर्डर पारित होने के पहले उस प्रॉपर्टी को रिलीज किया जा सकता है उस ग्राउंड पे कि जो भी वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की उसकी पेमेंट कर दी जाए एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर को। दूसरी चीज, जैसे ही वो पेमेंट करी जाएगी अगर अक्यूज पर्सन कस्टडी में तो उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, क्या अक्विट किया जाएगा? नहीं, अगर अक्यूज पर्सन कस्टडी में तो उसे क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे इस सिचुएशन में। और जो प्रॉपर्टी सीज करी गई है उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा और कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं ली जाएंगी उस पर्सन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। ओके, तो अगर अमाउंट पे कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 48A, जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी बाय द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर। तो उसमें लिखा है नॉट विदस्टैंडिंग कि भले ही ऊपर अभी सेक्शन 48 में लिमिट लगी है 10,000 रुपीज की, भले ही वो चीज लिखी है वहां पे, लेकिन एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर, कौन आपके एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर, अगर कोई भी रूल्स या कोई भी लाइसेंस की कंडीशंस को ब्रीच किया जा रहा है तो वहां पर 10,000 से ज्यादा जाकर भी पेनल्टी लगा सकते हैं। तो 10,000 की पेनल्टी को एक्सीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 49, पेनल्टी ऑन ऑफिसर्स मेकिंग वेक्सेशियस सर्च सीजर डिटेंशन और अरेस्ट। तो यहां पर बोला गया कोई भी एक्साइज ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर जो सेक्शन 52 के अंदर ऑथराइज किया गया हो, अगर अननेसेसरली जाके कोई भी प्लेस को सर्च कर रहा है, एंटर कर रहा है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है या फिर कोई भी आर्टिकल को कॉन्फिसिकेट कर रहा है, कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, तो अगर ये सब काम वो अननेसेसरली कर रहा है तो उसके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है सेक्शन 49 के अंदर? तो मैक्सिमम 3 months की पेनल्टी लगाई जा सकती है या फिर फाइन लगाया जा सकता है मैक्सिमम 500 रुपीज का, या फिर दोनों चीजें लगाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है 49A, जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट एक्सेट्रा ऑफ लिकर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और फॉर ऑल्टरिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। तो कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चर या फिर ऑल्टर या अटेम्प्ट करता है कोई भी डीनेचर्ड स्पिरिट को ऑल्टर करता है या फिर डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन को ऑल्टर करता है या फिर कोई ऐसी मटीरियल की पोजेशन में है जो कि डीनेचर्ड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन में मैन्युफैक्चर करने में यूज किया जाता है या फिर डीनेचर्ड स्पिरिट को मिक्स करता है या ऑल्टर्ड डीनेचर्ड स्पिरिट को मिक्स करता है और इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी को अगेन डिवाइड कर रखा है इन लोग ने, पहली पेनल्टी आपकी बताइए फर्स्ट कन्विक्शन में और दूसरी बताइए सेकंड कन्विक्शन में। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे उन्होंने 3 parts में डिवाइड कर दिया है उसको। पहला उन्होंने बोला है कि अगर ये पाया गया कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, दूसरा अगर किसी ह्यूमन बींग को कोई इंजरी हुई, और तीसरा अगर ह्यूमन बींग की डेथ हो गई। तो अगर ये 3 situations हुई तो पेनल्टी डिफरेंट है। पहले वाले में मिनिमम आपकी 2 months है और मैक्सिमम आपका 2 years का इम्प्रिजनमेंट है और फाइन प्लस है एंड लगा हुआ है तो फाइन भी मिलेगा आपको। दूसरे में मिनिमम 4 months जो एक्सटेंड होगा 4 years तक प्लस अनलिमिटेड फाइन। दूसरे और लास्ट में आपका है 2 years जो मैक्सिमम है आपके 10 years से एक्सटेंड, अगेन अनलिमिटेड फाइन भी है साथ में। अगर आप फिर भी नहीं रुकते दोबारा ऑफेंस करते हैं तो ये सेम 3 situations होंगी और इन तीनों सिचुएशंस में पहले आपका मिनिमम हो जाएगा 6 months जो एक्सटेंड हो सकता है 4 years तक प्लस फाइन, अनलिमिटेड फाइन है। दूसरी सिचुएशन में मिनिमम आपका 1 साल से लेके 6 साल तक है और प्लस अनलिमिटेड फाइन। और तीसरी सिचुएशन में आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी या तो आपको या फिर आपको मिनिमम 5 साल से लेके मैक्सिमम 10 years तक प्लस अनलिमिटेड फाइन। तो ये आपकी पूरी पेनल्टी है इस पर्टिकुलर सेक्शन की। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 51, जो कि बात करता है पार टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो यहां पर बोला गया एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर जो कि he should not be below the rank as the state government specifies, ठीक है, ये लोग और कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ये लोग एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं दिन में रात में कोई भी प्लेस जहां पर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर कोई भी इंटॉक्सिकेंट को स्टोर या मैन्युफैक्चर करता है या फिर वो कोई ऐसी जगह एंटर या इंस्पेक्ट कर सकते हैं विद इन द आवर्स ड्यूरिंग विच द सेल इज परमिटेड
या कभी और भी जब वो पर्टिकुलर प्रमाइसिस ओपन हो और वहां पर इंटॉक्सिकेंट को रखा गया है बेचने के लिए, कोई भी अकाउंट को एग्जामिन कर सकते हैं, रजिस्टर्स एंड ऑल. तो बेसिकली जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये कर कौन कौन सकता है, तो ये कौन कौन कर सकता है, एक्साइज कमिश्नर कर सकते हैं, कलेक्टर कर सकते हैं, या कोई भी एक्साइज ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कौन सी रैंक के ऊपर का होगा, और कोई पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, ड्यूली एम्पावर्ड ऑन दिस बिहाफ. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 52, जो कि बात करता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट टू सीज आर्टिकल लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेस. यहाँ पे बोला गया है कोई भी एक्साइज ऑफिसर, कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले कोई भी आपके एक्साइज ऑफिसर हो सकते हैं, वो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं. रैंक उनकी क्या है वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कौन सी रैंक के ऊपर के होने चाहिए, या फिर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो सकते हैं. ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, कुछ सेक्शंस मेंशन करें हैं सेक्शन में, अगर उस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया गया है तो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट. अब वो लिस्ट ऑफ सेक्शंस हैं सेक्शन 23A, 34, 35, 36, 36A B C, 37, 38A, 40 और 49A. कोई भी इंटॉक्सिकेंट को सीज और डिटेन कर सकते हैं जहां पर उन्हें रीजन है टू बिलीव कि इट इज लाइबल टू कॉन्फिस्केशन. डिटेन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी वेसल, व्हीकल, एनिमल या पैकेज को जिसके ऊपर भी उनको सस्पिशन है. कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड है या रीजनेबली सस्पिशन है उसके ऊपर कि उसने इस एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस कमिट किया है, और जब उससे उसका नाम और रेसिडेंस मांगा जा रहा है तो वो अपना नेम और रेसिडेंस दे नहीं रहा है, अगर दे रहा है तो झूठा दे रहा है, तो उस केस में उसकी अरेस्ट करी जा सकती है. ओके, सो ये ग्राउंड्स हैं आपके. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 53, पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू इशू वारंट. इसमें कहा गया अगर मैजिस्ट्रेट अपॉन इन्फॉर्मेशन या फिर एंड अपॉन इन्फॉर्मेशन, तो पहले तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली और एंड लिखा है तो इंक्वायरी करने के बाद, अगर मैजिस्ट्रेट के पास रीजन है बिलीव करने का कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कौन से सेक्शन में, 34, 35, 36, 36 ए बी सी, 37, 38, 38 ए, 39, 40, या फिर कमिट हो भी सकता है, तो वहां पर वो वारंट इशू करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस की सर्च करने के लिए जहां पर रीजन टू बिलीव है कि कोई इंटॉक्सिकेंट को के अपैरेटस मटेरियल इन सबको रखा गया है या कंसील किया गया है. एंड ये भी ऑर्डर पारित कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं. एक तो सर्च के लिए इशू वारंट किया जा सकता है, उसके अरेस्ट के लिए. तो किस पर्पज के लिए यहाँ पर वारंट इशू किया जा सकता है, दो पर्पजेस के लिए, एक तो सर्च के लिए या फिर अरेस्ट के लिए. एंड है तो दोनों के लिए इशू किया जा सकता है यहाँ पे, अरेस्ट ऐसे पर्सन की जो ये ऑफेंस में एंगेज है, और सर्च ऐसी प्लेस की जहां पर वो पर्टिकुलर रिलेटेड सामान ऑब्टेन किया जाता है. नेक्स्ट सेक्शन 54, पार्ट टू सर्च विदाउट वारंट. जब भी कोई एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब, अगर उस एक्साइज ऑफिसर के पास रीजन है बिलीव करने के लिए, अगेन वही सेम ऑफेंसेज जो सेक्शन 53 में दे रखे हैं, सेम ऑफेंसेज कमिट हुए या कमिट होने वाले हैं, एंड सर्च वारंट ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, मतलब कि अगर हम सर्च वारंट ऑब्टेन करने लगे, अगर एक्साइज ऑफिसर सर्च वारंट ऑब्टेन करने लगे तो जो अक्यूज्ड है वो भाग जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है तो वहां पर बिना वारंट ऑब्टेन करे किसी भी टाइम डे या नाइट हो एंटर कर सकते हैं, कोई भी प्लेस सर्च कर सकते हैं और ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं. तो जहां पर डिले कॉज हो जाएगी, अक्यूज्ड भाग जाएगा, तो वहां पर वारंट का इंतजार नहीं करेंगे एक्साइज ऑफिसर, वहां पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 54A, अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट. तो यहां पर बोला गया कोई भी एक्साइज ऑफिसर, या वो एक्साइज ऑफिसर ऐसे होने चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी रैंक प्रिस्क्राइब करी उसके नीचे के नहीं होने चाहिए, वो मे है, तो डिस्क्रिशन है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है. मे अरेस्ट विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को जो भी उनकी ड्यूटी उन्हें पूरी करने में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें, असॉल्ट क्रिएट करें, लेकिन जो भी पर्सन यहाँ अरेस्ट किया जाएगा उसे बेल पे बेल दी जाएगी उसे, एंड अगर वो सफिशियंट बेल नहीं देता है वो पर्सन, तो उसे मैजिस्ट्रेट के सामने अपियर कराया जाएगा या फिर किसी पुलिस या एक्साइज ऑफिसर के सामने, एज द केस मे बी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 56, जो कि बात करता है रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर. तो यहां पर बोला गया है जब कोई इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करी जाएगी कोई एक्साइज ऑफिसर के थ्रू जो भी एम्पावर्ड हो सेक्शन 55 के सबसेक्शन 1 में, और अगर पता चलता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है अक्यूज्ड के प्रोसिक्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेंगे कहां पर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होगी उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करने की. और जो भी रिपोर्ट यहां पर एक्साइज ऑफिसर सबमिट करेंगे उसे पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी. क्या माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी. ओके, और यहां पर मैजिस्ट्रेट किस पे कॉग्निसेंस देंगे? जैसे वो सीआरपीसी में पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निसेंस लेते हैं वैसे ही वो यहां पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निसेंस लेंगे.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 57 जो कि बात करता है रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर. जब कोई एक्साइज ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ कलेक्टर, किसकी रैंक के बिलो, कलेक्टर की रैंक के बिलो जब कोई एक्साइज ऑफिसर अरेस्ट सीजर करता है इस एक्ट के अंदर, तो वो 24 आवर्स के अंदर, कितने टाइम के अंदर, 24 आवर्स के अंदर एक फुल रिपोर्ट बनाएंगे अपने सारे पर्टिकुलर्स की, अरेस्ट की, सीजर की, और इमीडिएटली अपने सुपीरियर ऑफिसर के पास उसे सबमिट करेंगे. एंड शैल, फिर उसके बाद क्या यूज किया गया है, शैल, तो मैंडेटली है कि अनलेस बेल एक्सेप्ट नहीं हुई है, बेल नहीं हुई है, उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा. जो भी चीज है वो सब किसके सामने प्रोड्यूस की जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 59A, सर्टेन ऑफेंसेज अंडर दिस एक्ट टू बी नॉन बेलेबल. अब कुछ ऑफेंसेज यहाँ पे नॉन बेलेबल है, जहां पर आपको बेल कोर्ट डिसाइड करेगा तो ही मिलेगी. अब इसमें लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो या सेक्शन 59 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ भी लिखा हो, कोई भी एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल की एंटरटेन नहीं करी जाएगी कोई ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि कमिट किया गया इस एक्ट के सेक्शन 49A के अंदर. तो यहां पर नहीं. और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन नॉट बींग अ पर्सन होल्डिंग अ लाइसेंस अंडर द एक्ट, कोई ऐसा पर्सन है लाइसेंस होल्डर के अलावा अगर कोई दूसरा पर्सन है, अगर उसने कुछ किया है, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल का कोई प्रावधान नहीं मिलेगा यहाँ पे. सो और ये सब आपको कब नहीं मिलेगा, ये सब आपको तब नहीं मिलेगा जब 5 बल्क लीटर से ज्यादा का आपने रखा हुआ है क्वांटिटी उस पर्टिकुलर केस में. दूसरी चीज, कोई भी पर्सन अक्यूज है किसी ऑफेंस के लिए जो कि पनिशेबल है सेक्शन 49A के अंदर, या कोई भी पर्सन जो कि होल्डर नहीं है, उसे बेल पे नहीं छोड़ा जाएगा, उसे अपने बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दे दी जाती और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना पार्ट कोर्ट के सामने नहीं रख देते, और अनलेस कोर्ट सेटिस्फाइड ये नहीं हो जाता कि हाँ रीजनेबल ग्राउंड है इसको बेल देने के लिए, तो ही बेल दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी. प्रोवाइडेड दैट कोई भी कोर्ट, नो कोर्ट शैल ऑर्डर डिटेंशन, कोई भी कोर्ट डिटेंशन ऑर्डर नहीं करेगा उस पर्सन का जो भी अक्यूज्ड कस्टडी में है, अगर 60 डेज का इन्वेस्टिगेशन पीरियड, टोटल इन्वेस्टिगेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, और उस केस में जहां पर 5 बल्क लीटर से ज्यादा अगर ऑफेंस किया था, तो वहां पर अगर 60 डेज का इन्वेस्टिगेशन पीरियड खत्म हो गया, और बाकी केसेस में अगर 120 डेज का पीरियड खत्म हो गया है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली उस पर्सन के पास बेल का अधिकार हो जाएगा और आप उसे बेल पे छोड़ देंगे. तो दो पीरियड है, अगर 5 बल्क लीटर वाला पीरियड है तो 60 डेज में अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, और बाकी दूसरा अगर ग्राउंड है जो आपका सबसेक्शन में दे रखा है सबसे क्लॉज बी में, तो वहां पर आपका कितना होना चाहिए, 120 डेज में अगर कंप्लीट नहीं हुई है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 61 जो कि बात करता है लिमिटेशंस ऑफ प्रोसिक्यूशंस. तो यहां पर बोला गया कि कोई भी कोर्ट कॉग्निसेंस नहीं लेगा किसी भी ऐसे ऑफेंस का, कौन से ऑफेंस हैं, सेक्शन 37, 38, 38A, 39. तो 4 सेक्शंस दे रखे हैं, 37, 38, 38A और 39. ये 4 सेक्शन में कोई भी कोर्ट ऑफेंस तब तक नहीं लेगा जब तक कंप्लेंट नहीं आती. रिटन वर्ड यूज नहीं किया गया है, बस लिखा है जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं होती, या जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देते, या एक्साइज ऑफिसर रिपोर्ट नहीं देते. अब एक्साइज ऑफिसर की अगर बात करी जाए, तो एक्साइज ऑफिसर आपके डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के ऊपर की रैंक के होने चाहिए, तो कंप्लेंट या रिपोर्ट पे ही कॉग्निसेंस लिया जाएगा अगर ऑफेंस इन 4 सेक्शन के अंडर हुए हैं. नेक्स्ट, अगर कोई अदर सेक्शन है अदर देन सेक्शन 49, तो कंप्लेंट या फिर रिपोर्ट ऑफ एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, इनके ऊपर कॉग्निसेंस लिया जाएगा. उसके बाद एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निसेंस नहीं लेगा अनलेस प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड विद इन 6 मंथ्स. जिस दिन भी ऑफेंस हुआ है उसके 6 महीने के अंदर आपने अगर इंस्टीट्यूट कर दिया, तभी कॉग्निसेंस दिया जाएगा. तो लिमिटेशन पीरियड क्या है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस, एलेज्ड ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 61A, टेंडर ऑफ पार्डन अक्यूज पर्सन टर्निंग अप्रूवर. अब यहां पर बस एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंडर, पार्डन टेंडर करने की पावर किसके पास है. तो यहां पर टेंडर करने की पावर है आपके CGM के पास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास. ये 2 लोग हैं जो यहां पर टेंडर पार्डन कर सकते हैं अक्यूज को और उसे अप्रूवर बना सकते हैं. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 61B, जहां पर कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं. 4 डेफिनेशंस टोटल यहां पर दे रखी हैं, शेड्यूल एरियाज की, ग्राम पंचायत की, शेड्यूल ट्राइब्स की, 3 डेफिनेशन दे रखी हैं.
ये तीन डेफिनेशंस हैं. शेड्यूल एरिया मतलब आपका आर्टिकल 24 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो क्लॉज 1 है. और ग्राम पंचायत और ग्राम सभा वो जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के अंदर डिफाइंड है. और शेड्यूल ट्राइब का मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 के अंदर जो भी शेड्यूल ट्राइब है. वो ये भी पूछ लेते हैं शेड्यूल ट्राइब अंडर सेक्शन 61B ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट रेफर्स टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो यू नीड टू रिमेंबर आर्टिकल 342 और शेड्यूल एरियाज के लिए आर्टिकल 244 का क्लॉज 1. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 61D जो कि बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. तो यहां पर बोला गया इस एक्ट के जो प्रावधान है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री स्पिरिट के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड डिस्टिलेशन के थ्रू उसकी पोजेशन और कंजम्पशन, ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे? शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. शेड्यूल एरियाज में जो भी शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके ऊपर. अब जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं शेड्यूल एरियाज में वो कंट्री स्पिरिट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन. और वो कंडीशंस क्या हैं? जो मैन्युफैक्चर होगा कंट्री स्पिरिट का वो केवल दो पर्पस के लिए होगा, या तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या तो सोशल या रिलीजियस फंक्शंस के लिए. इन्हीं दोनों पर्पस के लिए शेड्यूल ट्राइब्स कंट्री स्पिरिट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. दूसरी चीज, कंट्री स्पिरिट जो ये मैन्युफैक्चर करेंगे उन्हें ये बेच नहीं सकते, सोल्ड सेल आउट नहीं कर सकते. दूसरी चीज, मैक्सिमम लिमिट जो प्रिस्क्राइब करी गई है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो वो पजेस कर सकते हैं कंट्री स्पिरिट को, वो है मैक्सिमम 5 liters पर हाउस होल्ड. तो कितनी लिमिट प्रिस्क्राइब करी गई है? मैक्सिमम 5 liters पर हाउस होल्ड. तो ये लिमिट याद रखिएगा. दूसरी चीज, ग्राम सभा रिड्यूस कर सकती है इस लिमिट को. जो पजेशन की लिमिट है इसको ग्राम सभा रिड्यूस कर सकती है. तो किसके पास पावर है रिड्यूस करने की? ग्राम सभा के पास. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 61E जो कि बात करता है पावर ऑफ ग्राम सभा टू रेगुलेट एंड प्रोहिबिट मैन्युफैक्चर सेल एक्सेट्रा ऑफ इंटॉक्सिकेंट. तो यहां पर बोला गया ग्राम सभा शैल, तो मतलब मैंडेटरी पावर है ग्राम सभा के पास यहाँ पे. तो शैल यहां पर उसके पास पावर होगी, वो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन पारित कर सकती है. एंड जो भी ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन यहाँ पर ग्राम सभा पारित करेगी वो अप्लाई नहीं करेगा कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीज पे, ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट पे जो कि इस चैप्टर के आने के पहले चल रही हो. ओके, कोई भी नई मैन्युफैक्चर अगर हो रही है इंटॉक्सिकेंट की तो वो स्टैब्लिश नहीं करी जाएगी, कोई नए आउटलेट स्टैब्लिश नहीं करी जाएंगे इंटॉक्सिकेंट को सेल आउट करने के लिए किसी भी एरिया में ग्राम सभा के विदाउट द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा. तो ग्राम सभा की परमिशन के बगैर अब कोई नया इंटॉक्सिकेंट की सेल या फिर मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते. अगर ग्राम सभा प्रोहिबिट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग पजेशन सेल या कंजम्पशन किसी इंटॉक्सिकेंट की तो उसके कुछ फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. पहली चीज कि आप कोई भी नई इंटॉक्सिकेंट को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते विद इन ग्राम सभा के जुरिस्डिक्शन में, कोई नए आउटलेट्स आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते सेल के लिए, एंड अगर कोई है तो उनको क्लोज करना होगा. और कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट या सेल नहीं कर सकता ग्राम सभा के एरिया में बिना ग्राम सभा की परमिशन के. ओके, सो ये सब ग्राम सभा की पावर्स है. नेक्स्ट सेक्शन 61F बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द डिसीजंस ऑफ ग्राम सभा. अब ग्राम सभा के डिसीजंस की बारी आई, तो जो भी डिसीजंस और ऑर्डर्स ग्राम सभा यहां पर पारित करता है इस चैप्टर के अंदर उसको इफेक्टिव कौन करता है? तो इसको इन इफेक्ट लाती है ग्राम पंचायत. कौन लाती है? ग्राम सभा के जितने भी ऑर्डर्स उनको इफेक्टिव लाती है ग्राम पंचायत. और जहां पर भी जरूरत पड़े वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी मदद ली जा सकती है. एंड इसके लिए SDM को अप्रोच कर सकती है ग्राम पंचायत की, हमें कुछ ऑफिसर्स की असिस्टेंस की जरूरत है और उसे ग्राम पंचायत को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाएगी. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इज सेक्शन 62 पावर टू मेक रूल्स. दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. रूल मेकिंग पावर किसके पास है? तो एज यूजुअल यहां पर स्टेट एक्ट है तो रूल मेकिंग पावर आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बिफोर यू लीव डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड प्लेस योर कमेंट्स.